नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी पाठशाला में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी की ओर से आई हुई वैकेंसी सीजीएल के बारे में, कि क्या इसमें कब लास्ट डेट है, कब एग्जाम डेट है, कितना तक हमारा फॉर्म का फी लिया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। उसके बाद क्या फिजिकल है, क्या हाइट है, क्या चेस्ट है, क्या वेट कितना चाहिए, सिलेबस क्या है, टोटल के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, और 3 दिसंबर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट हमारा कब होगा, 10 जनवरी को हो जाएगा, ठीक है, 10 जनवरी को 12 बजे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट जो होगा हमारा होगा वो 12 जनवरी, यानी फी आपको 12 जनवरी तक पेमेंट कर देना है। उसके बाद पेपर वन का एग्ज़ाम होगा आपका, फर्स्ट पेपर का, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्शनल हो, ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपको 16 से 27 मार्च के बीच हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड की बात कर लें, पेपर टू की, तो हमारा 28 तारीख को हो जाएगा, ठीक है, 28 तारीख, 6th महीना में, 6th मंथ में होगा। उसके बाद अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपको 100 रुपये लिया जाएगा, जो कि एससी हर बार करती है। उसके बाद अगर आप एसटीएससी और पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। ये हमारी हो गई दो चीज़ें कंप्लीट। तीसरी बात कि एलिजिबल कितना चाहिए, तो आपको सिंपली 12th पास होना है, लेकिन दूसरे पोस्टों के लिए आपको और भी चाहिए, जो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, और भी अदर इक्विलेशन भी चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम एज की बात कर लें तो 18 से 27 साल आपको एज होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी आते हैं तो आपको 3 साल और जोड़ दीजिए इसमें, अगर आप एसटीएससी आते हैं तो आप 5 साल जोड़ दीजिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी आते हैं तो आपको भी छूट मिलेगी, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको भी छूट मिलेगी एज में, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात कर लें तो यहाँ पे वैकेंसी 3 प्रकार की है, ठीक है, और इसी में आपको अदर क्वालिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा पोस्ट क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर स्क्रीन असिस्टेंट है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको 12th पास चाहिए, ओनली 12th पास, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए डालेंगे तो आपको 12th पास और यहाँ पे आपको अदर थोड़ी सी चाहिए। उसके बाद हम तीसरी पोस्ट डाटा एंट्री की बात कर लें। दोस्तों मेरी थोड़ी आवाज़ अभी खिंचक रही है, ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए हमारी यहाँ पे तीसरी बात क्या है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए आपको 12th होना है, साथ ही आपको साइंस से होना है, किससे, साइंस से, संकाय विज्ञान आपका होना चाहिए स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ होना चाहिए, इसमें मैथ होना चाहिए, ठीक है। तो यही थी हमारी थोड़ी अदर, और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हम बात कर लें सेंटर की, हमारे सेंटर कहाँ रहेगा, तो हमारे सेंटर अपना स्टेट के जो कैपिटल था उसी में रहेगा। अगर आपका कैपिटल बड़ा है, आपका स्टेट बड़ा है, तो आपको 2 सेंटर दे दिया जाएगा, जैसे यूपी, बिहार का 2-2 मिलता है, लेकिन झारखंड का 1 ही मिलता है, ठीक है, इस बार मिला है। तो अगर आप बात कर लें हाइट की, तो आपको यहाँ पे हाइट भी है और वेट भी है। चलिए हम हाइट और वेट देख लेते हैं थोड़ा। दोस्तों मालूम है थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना है, इसलिए हम थोड़ी गहराई में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। देखिए अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, और हिल्स में आते हैं, हम डायरेक्ट बात करें कि अगर आप वेस्टर्न जोन में आते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हाइट 158 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अगर आप ईस्टर्न जोन में आते हैं तो आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, हिमालय में। अगर आप वेस्टर्न जोन में आते हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप ईस्टर्न प्लेन में आते हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और यहाँ पे साइड में दिया गया है वेट भी, ठीक है, तो वेट को भी आप देख लें। उसके बाद आप सेंट्रल में आते हैं तो आपको 157, अगर आप साउथ जोन में आते हैं 157। उसके बाद रिलेवेंट को आपको यहाँ पे छूट दी गई, 2 सेंटीमीटर छूट मिलेगी, और अपने जहाँ पे आते हैं वहाँ पर भी आपको 2 सेंटीमीटर छूट मिलेगी हाइट में, और 2 kg वेट में छूट मिलेगी। तो ये थी हमारी हाइट वेट, ठीक है। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात कर लें तो आपको सैलरी भी यहाँ पे अच्छी खासी मिल रही है। सैलरी आपको मिलेगी 19,000 से लेकर 19,000 जो 12th पास के लिए, और एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन मांगा है उनकी 25,000 स्टार्टिंग होगी, जो कि लास्ट 81,000 तक जाएगी, ठीक है।
और यहाँ पे आपको 3 एग्ज़ाम होंगे, उसके साथ ही आपको एक फिजिकल भी होगा जो कि 1600 मीटर रनिंग होगी, ठीक है, और वो आपको 10 मिनट में पूरी करनी है। 1600 मीटर रनिंग 10 मिनट में पूरी करनी है। जी हाँ दोस्तों, इतनी थी हमारी फिजिकल मेडिकल। और अगर हम एग्ज़ाम की बात कर लें तो आपको पहले 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें से 20 क्वेश्चन वही रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपको जीके से पूछ दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश से। तो ये हमारे होंगे 100 क्वेश्चन जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा और आपको 200 हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके सुधार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मेरी आज आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ और फिर से एक बार मांगता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।